हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर गुप्त नवरात्रे धूमधाम के साथ नैना देवी जी में आयोजित किए जा रहे हैं। माता रानी के माघ माह शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रे बड़ी ही धूमधाम के साथ इस बार शुरू हुए हैं। इन गुप्त नवरात्रों के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रे माने जाते हैं, जिनमें 2 नवरात्रे चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे माने जाते हैं, जिनमें अषाढ़ मास के और माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रे भी शामिल हैं। नवरात्रों के दौरान पूजा पाठ, कन्या पूजन, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर श्री नैना देवी के वरिष्ठ पुजारी अंकुश शर्मा ने बताया कि ये नवरात्रे गुप्त नवरात्रे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने तांत्रिक पूजन के लिए इन नवरात्रों को गुप्त रखा था। जो मुख्य नवरात्रे होते हैं उसमें सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजन होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक पूजन किया जाता है, इसलिए गुप्त रखा गया है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रे भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, कुल मिला के 4 नवरात्रे होते हैं। 2 का मैक्सिमम लोगों को पता है, 2 गुप्त इसलिए रखे गए हैं कि इसमें नॉर्मल नवरात्रों में जो गुप्त नहीं है उनमें सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें विशेष तौर पे तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। गुप्त इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ऋषि मुनि जो थे वो इस के दौरान साधना अपनी करते थे और तंत्र पूजा करते थे। हिंदू धर्म में तंत्र पूजा का विशेष महत्व है और गुप्त नवरात्रों में तंत्र पूजा का उससे ज्यादा महत्व है। गुप्त नवरात्रे चल रही है, बहुत ज्यादा रश है, मत्था टेकने आ रहे माता जी, क्योंकि रश भी काफी है, सारे बहुत ज्यादा माता साहब ने आशीर्वाद बख्शे, श्रद्धा पैदा करे माता, धन्यवाद।